पर्यावरण को साफ रखने में गिद्धों की महत्वपूर्ण भूमिका है। गिद्ध का वर्णन भारत के पौराणिक महाकाव्य रामायण में किया गया है, जहां रावण के चंगुल से सीता माता को बचाने के दौरान गिद्धों के राजा जटायु ने अपनी जान गंवा दी थी। गिद्ध पर्यावरण के प्राकृतिक सफाई कर्मी होते हैं। ये मरे और सड़ रहे पशुओं के शवों को भोजन के तौर पर खाते हैं। ये मृत शवों को समाप्त करके संक्रामक बीमारियों को फैलने से भी रोकते हैं। 1980 के दशक में भारत में सफ़ेद पूछ वाले गिद्धों की संख्या करीब 80 मिलियन थी। गिद्धों के विलुप्त होने से नतीजा यह हुआ कि चूहों की संख्या में अचानक वृद्धि हो गई, जिससे रेबीज बीमारी होने का भी खतरा बढ़ गया। गिद्ध 7000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि सबसे ऊँची उड़ान भरने वाला पक्षी गिद्ध ही है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये एक जगह बैठ करके 100 किलोमीटर की दूरी तक आसानी से देख सकता है। ज़्यादातर गिद्ध गंजे होते हैं, उनके सिर या गर्दन के पास कोई बाल या पर नहीं होते हैं, क्योंकि जब वो मरे हुए जानवरों को खाते हैं तो उन्हें अपना सिर अंदर तक घुसाना होता है। गंजे होने के कारण उनके सिर पर मांस या खून नहीं अटकता है, जिससे गिद्ध अपना ऊपरी हिस्सा आसानी से साफ रख लेते हैं। भारत में गिद्धों की कुल 9 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से 4 विलुप्त प्राय की सूची में हैं। 90 के दशक में हमें पहली बार पता चला था कि गिद्ध की आबादी घट रही है, तब जाकर इस पर ध्यान दिया गया और इनके घटने की वजह तलाशी जाने लगी। वैज्ञानिकों ने कई पहलुओं की जांच की, या फसलों में डाली जाने वाली कीटनाशक दवाओं से गिद्ध मर रहे हैं, या फैक्ट्रियों से निकलने वाली प्रदूषण से गिद्ध मर रहे हैं, या कोई वायरस है, या कोई बैक्टीरिया के कारण गिद्ध मर रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन वैज्ञानिक इसका हल नहीं निकाल सके। 2002 तक गिद्ध की कई प्रजातियों की आबादी 99% कम हो चुकी थी, तब जाके 2003 में उनके मरने की वजह पता चला। गिद्धों के मौत का कारण गाय भैंस को दी जाने वाली एक दवा थी। इस दवा का नाम है डाइक्लोफेनिक। डाइक्लोफेनिक एक एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। इस दवा से बुखार, सूजन और दर्द में आराम मिलता था। इसके इंजेक्शन जानवरों को लगाई जाती थी। जब ये जानवर मर जाते थे तो इन मरे हुए जानवरों को गिद्ध खाने लगते थे। जानवरों के शरीर में मौजूद इस दवा को भी गिद्ध निगल जाते थे, जिसकी वजह से गिद्धों की किडनी फेल हो जाती थी और 12 से 24 घंटे के अंदर गिद्ध की मौत हो जाती थी। जब सरकार को इस बात की खबर मिली तो भारत सरकार ने 2006 में डाइक्लोफेनिक दवा पर रोक लगा दी, लेकिन चोरी छिपे इस दवा का प्रयोग अभी भी किया जा रहा है। दोस्तों, गिद्धों को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।